मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आज 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार के समक्ष दाखिल किया। नामांकन करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए प्रत्याशियों ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, सड़क, पेयजल आदि मूल समस्या को दूर करने की बात कही। वहीं नामांकन के बाद अनुमंडल कार्यालय के बाहर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कोई भी विकास नहीं हुआ, हम युवाओं के लिए लड़ेंगे। बहुत सारा युवाओं का मुद्दा यहाँ पे है, जैसे शिक्षा की कमी है, बेरोजगार है, इस मुद्दे को लेकर हम चुनाव में लड़ेंगे। और कल सांसद महोदय ने एक दिया था बयान कि यहाँ किसी का हिम्मत नहीं कि कोई चुनाव लेने के लिए, तो मैं उसको चुनौती देने के लिए बयान उतर रहा हूँ कि कोई भागलपुर से आके कोई यहाँ आके चुनौती दिया उसको मैं स्वीकार किया हूँ और चैलेंज एक्सेप्ट किया हूँ। मैं मैदान में सबसे निम्न कैटेगरी है उसको उत्थान के लिए, दलित और गरीब उसका उत्थान के लिए हम प्रयासरत रहे हैं, उसी के लिए हमने नामांकन किया। मधुपुर क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही कहते हैं कि गरीबों को उत्थान के लिए हमको सहयोग करें ताकि हम आप लोगों को उत्थान कर सकें। बहुत गरीब है, दलित समाज में जितना है सब गरीबी थीम है, और गरीब और बाकी हर जातियों में भी गरीबी है, तो दलित और गरीब के लिए हम उत्थान करने के लिए उसको मुद्दे अस्पष्ट हैं। और मुद्दे खास करके जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में, जैसे स्वास्थ्य हो गया, रोजी रोजगार रोजगार हो गया, और उसके बाद शिक्षा का लेवल जो गिरा हुआ उसको हम लोग उठाने का काम करेंगे। स्टार जो होता है वो जमीन में काम करने वाला हीरो होता है। आज जिस तरह गरीब गुरबा हमारा कार्यकर्ता बिना हमारे तेल पानी का, बिना कुछ खाना खाए जो जो सैलाब उतरा है, जो इतिहास है मधुपुर के लिए, मधुपुर के लोगों से मैं अपील करता हूँ, बस एक बार भरोसा करें। महिला के लिए तो कोई आवाज़ तो सुनता नहीं है, तो इसके लिए हमको सब कोई मिल करके जनता लोग ने खड़ा किया कि महिला का भी कोई सुनने वाला होना चाहिए। जैसे कि हर समय तो जेंट्स तो अनिता उन लोग तो होते रहता है, लेकिन महिला का तो कभी मौका है लोग नया खड़ा होने का तो उन लोग करते ही नहीं करती है महिला लोग, है ना। इस बार हम जनता लोग कि यहाँ झारखंड के अंदर आज 23 साल से हम लोग पिछले बार भी यही मुद्दा रखे थे कि हेमंत सोरेन की जो सरकार थी उसमें 5 साल से वैकेंसी नहीं, झारखंड सीरियल का एग्ज़ाम 3 बार हुआ, बार बार रद्द हो गया। और मुद्दा मेरा पहले भी वही था, अभी भी वही है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए और यहाँ पे अभी देख लीजिए आपका एयरपोर्ट में और या एम्स में यहाँ के लोकल युवाओं को एक भी रोज़गार नहीं मिला है। बताइए, यहाँ के लोकल युवाओं को यदि रोज़गार नहीं मिला तो कहाँ के युवाओं को रोज़गार मिला, इसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ आज लगातार 4 टर्म जो है सांसद महोदय यहाँ पे रहे, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, इसका खेद है हमें। और जो बीजेपी का प्रत्याशी है उनको भी इस पर आज तक जो है प्रैक्टिकली मैदान में वो आवाज़ नहीं उठाए, तो आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन आज तक हम इस पर जो है आवाज़ उठाते हुए देखें, वो बीजेपी का प्रत्याशी हो या जेएमएम का प्रत्याशी, आज तक ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिकली में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, और इस पर हम आवाज़ उठाते हैं, हर टाइम उठाते हैं, क्लासरूम में भी उठाते हैं, हेमंत सोरेन पर भी आवाज़ उठाएं कि यदि हमारे झारखंड में रोजगार होने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। और अनुदान निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।